नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नई दिल्ली में ट्रांसलेशन ऑफिसर हूँ। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा इंडियन नॉलेज नेटवर्क की टीम को और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपनी जानकारी साझा करने के लिए चुना है। तो बेसिकली ये ट्रांसलेशन ऑफिसर की जॉब है क्या या ट्रांसलेशन ऑफिसर किसे कहते हैं? दरअसल केंद्र सरकार ने 1963 के राजभाषा अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजभाषा के तौर पर हिंदी को चुना है और ट्रांसलेशन ऑफिसर का काम बेसिकली राजभाषा अधिकारी के तौर पर होता है। हम यहाँ बात करेंगे कि जो है ये ट्रांसलेशन ऑफिसर काम क्या करता है, कैसे चुना जाता है या इसके लिए हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की किसकी ज़रूरत होती है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करें और बेनिफिट क्या है इस जॉब के, और सबसे बड़ी बात कि मैंने इस जॉब को क्यों चुना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मैंने इस जॉब को क्यों चुना और कैसे चुना। दरअसल मैं मास कम्युनिकेशन से मास्टर्स किया था और मैं दो बड़े राष्ट्रीय मीडिया संस्थान में काम करता था। लगभग 5 से 6 साल मैंने दैनिक जागरण और अमर उजाला में काम किया और मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं इस जॉब को चुनूं। लेकिन अचानक मुझे एक दिन पता चलता है कि 1 साल का पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन करने के बाद इस क्षेत्र में आया जा सकता है, और क्योंकि मैंने मास्कॉम से ही मास्टर्स किया था और इस जॉब के लिए स्पेसिफिकली क्राइटेरिया थोड़े थोड़े डिफरेंट है जिस पर मैं स्टेप वाइज आपको बताऊँगा। तो मैंने इसका डिप्लोमा किया और मैंने वो एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया और मुझे नई दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला। दरअसल बहुत अलग अलग मंत्रालय अपने विभागों में ट्रांसलेशन ऑफिसर रखने के लिए एसएससी को वैकेंसी भेजते हैं और एसएससी सबका एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट कराता है। ये तो रही कि मेरी बात मैंने कैसे इस जॉब में आया। दूसरा मेरी जर्नी मास्कॉम से मीडिया होते हुए, मीडिया संस्थान के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था और वहाँ से मेरी राइटिंग स्किल डेवलप हुई मीडिया में रहकर और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करके। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए राइटिंग स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके 2 चरण होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा पेपर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको एसे राइटिंग करना होता है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों लैंग्वेज में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे एसएससी दूसरे एग्जाम्स के लिए आप एसएससी सीजीएल देते हैं तो उसके लिए केवल ग्रेजुएशन होना काफ़ी है। दूसरे एग्जाम्स के लिए यूपीएससी जिस सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उसके लिए केवल मास्टर्स होना काफ़ी है, लेकिन इस जॉब में आने के लिए आपको मास्टर्स के साथ साथ पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं इसको बताता हूँ, शायद इजीली समझ में आएगा। कि सबसे पहले कि आपने अंग्रेजी विषय से यानी इंग्लिश सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जाम रहा हो। दूसरी शर्त है कि अगर आपने मास्टर्स हिंदी में किया है तो आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जाम रहा हो। तीसरी शर्त है अगर आपने मास्टर्स इंग्लिश या हिंदी में नहीं किया है, किसी दूसरे सब्जेक्ट से किया है, तब उस सब्जेक्ट का जिससे आपने मास्टर्स किया है उसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रहा हो और हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जाम रहा हो। चौथी शर्त है अगर आपने मास्टर्स हिंदी या इंग्लिश से अलग किसी सब्जेक्ट से किया है लेकिन अगर उसका माध्यम हिंदी है तो आप ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर एज ए मीडियम ऑफ एग्जाम होना चाहिए। तो बेसिकली ये 4 मोटी मोटी शर्तें हैं। इसके साथ साथ एक पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हम कहाँ से कर सकते हैं साथियों? सबसे ज़्यादा मैंने देखा है जो बच्चे एग्जाम क्रैक करके आते हैं, एसएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचते भी हैं और मेरिट में, सिर्फ इसलिए उनका चयन नहीं होता है क्योंकि वो पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किसी प्राइवेट संस्थान से या ऐसे किसी संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं जिसकी कोई मान्यता नहीं होती है। तो फाइनली उनकी पूरी मेहनत बेकार जाती है और वो यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचने के बावजूद बाहर कर दिए जाते हैं। तो पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जैसे मैंने इग्नू से किया था,
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, इग्नू से कर सकते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पूरा एक अनुवाद का डिपार्टमेंट है ट्रांसलेशन का, तो वहाँ से आप भी कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तब फिर आप इस जॉब के लिए जा सकते हैं। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन यानी SSC कर्मचारी चयन आयोग हर साल अगस्त में या जुलाई में इसकी वैकेंसी निकालता है और 300-350 पोस्ट होती हैं, जो कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो उतनी पोस्ट आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। अभी उतना ज़्यादा मैंने जैसे पीछे एग्जामों में देखा है 20,000-30,000 स्टूडेंट इसके लिए आवेदन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अगर आपकी भाषा पर पकड़ है, इस हिंदी पर और अंग्रेजी पर दोनों पर, क्योंकि हम बचपन से सभी लोग हिंदी और इंग्लिश साथ ही पढ़ते आते हैं, तो अगर आपकी भाषा पर पकड़ है ग्रामेटिकली तो आप आराम से इससे क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को।